दोस्तों आरती हेल्थ किचन में आप सभी का स्वागत है। 15 कुकिंग टिप्स आपको बना सकते हैं मास्टर शेफ। रसोई में पहले इतनी मेहनत करके स्वादिष्ट खाना बनाना और फिर रसोई की साफ सफाई की चिंता, ऐसा लगता है ना कि काश आपके पास कोई जादू की छड़ी होती और यह सभी काम आसानी से हो जाते। मगर अब आपको किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रसोई में काम आने वाले बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स, जिन्हें अपनाने से भोजन बनेगा और भी स्वादिष्ट और किचन की साफ सफाई में होगी बहुत ही आसानी। आइए जानते हैं कैसे। नंबर एक, अगर कुछ भी मीठा बना रहे हो तो बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, इससे व्यंजन का मीठापन निखर जाएगा। नंबर दो, अगर ढाबे जैसे खिले खिले और सफेद चावल बनाने हैं तो चावल को पकाते समय उसमें एक चम्मच घी और कुछ बूंद नींबू का रस डाल दें, इससे चावल दूध की तरह सफेद और खिले हुए बनेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। नंबर तीन, किसी भी सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करते समय जब प्याज भून रहे हो तो उसमें चुटकी भर चीनी डाल दें, इससे ग्रेवी का रंग निखर जाएगा और स्वाद भी बढ़ेगा। नंबर चार, अगर पूरियां उतारने की तैयारी कर रहे हैं तो पूरियों को बेलने के बाद कुछ देर तक फ्रिज में रख दें, इससे तलते समय पूरियों में ज्यादा तेल नहीं भरेगा। नंबर पाँच, सूजी का हलवा बनाने जा रहे हो तो सूजी भूनते समय उसमें जरा सा बेसन भी मिला दें, इससे हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा। नंबर छः, ग्रेवी में तेल या घी ज्यादा हो जाए तो ग्रेवी को फ्रिज में रख दें, जब अतिरिक्त तेल या घी ऊपर आ जाए तो इसे चम्मच से निकाल दें और परोसने से पहले पुनः गर्म कर लें। नंबर सात, भिंडी का स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जी पकाते समय उसमें नींबू का रस डाल दें, इससे भिंडी चिपचिपी नहीं बनेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। नंबर आठ, मलाई से अधिक मात्रा में घी निकालना चाहते हैं तो मलाई में बर्फ डालकर मिक्सर में चलाएं, इससे सारा घी ऊपर आ जाएगा और छाछ नीचे रह जाएगी। इस छाछ का इस्तेमाल कढ़ी और इडली का घोल बनाने में किया जा सकता है। नंबर नौ, अगर बिना अंडे का केक बनाना चाहते हैं तो उसके बैटर में पका केला और दही डाल दें, इससे केक फ्लफी बनेगा। नंबर दस, लौकी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं तो लौकी कद्दूकस कर लेने के बाद निकले पानी से पराठे का आटा लगाएं, पराठे मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर ग्यारह, प्याज के काटने से पहले उसे ठंडे पानी में डुबो कर रखें, इससे प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नंबर 12, अगर आपकी रोटियां या पराठे ज्यादा टाइट या क्रिस्पी बनते हैं तो दोस्तों छेना फाड़ने के बाद बचे पानी का इस्तेमाल आटा लगाने के लिए करें, इससे रोटी या पराठे अधिक स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगे। नंबर 13, अगर पकौड़े बना रहे हैं तो पकौड़े के घोल में बेसन के साथ साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला दें, इससे पकौड़े ज्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर 14, अक्सर हम घर में बची बासी ब्रेड को फेंक देते हैं, पर इसका इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। घर में बची पुरानी ब्रेड को आप एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में कर सकते हैं। कटलेट स्वादिष्ट बनेगा और टूटेगा भी नहीं। दोस्तों आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, फिर अपना अनुभव हमें जरूर बताइए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।